ये एक 13 साल की लड़की की कहानी है जो अपनी बॉडी में हुए फिजिकल चेंजेस को महसूस करती है और फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी की आवाज को सुनते हैं जो एक लड़की से कह रहा है कि तुम जैसी भी हो खूबसूरत हो, बाकी सारी लड़कियां तुमसे जलती हैं क्योंकि तुम उन लड़कियों के मुकाबले बहुत तेजी से बड़ी हो रही हो और इस साल तुम्हें उन लड़कियों की बोलती बंद करनी है। और फिर हम उस आदमी को उस लड़की के प्यूबिक हेयर को रेजर से क्लीन करते हुए देखते हैं और वो कहता है कि अपनी मॉम को इस बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारे प्यूबिक हेयर शेव किए हैं। इस आदमी का नाम है बैरी और लड़की का जजीरा। जजीरा बस 13 साल की है और बैरी जजीरा की मॉम का बॉयफ्रेंड है। वो बैरी के साथ एक एडल्ट कॉमेडी मूवी देख रही है और उस मूवी को काफी इंजॉय भी कर रही है। तभी वहां उसकी मॉम गेल आ जाती है और उसे बाथरूम से शेव किए हुए प्यूबिक हेयर मिलते हैं और वो जजीरा से पूछती है, व्हाट इज दिस, किसने कहा था तुम्हें अपने वहां शेव करने को। जजीरा बैरी की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये काम बैरी का है। वो जजीरा को उसके रूम में भेजने के बाद बैरी को उसके प्यूबिक हेयर को शेव करने के लिए बातें सुनाती है और जजीरा उन दोनों की बातों को सुन रही है। बैरी को एक बच्ची के प्यूबिक हेयर को शेव करना कोई गलत काम नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम गेल और जजीरा को एयरपोर्ट पर देखते हैं। गेल उसे उसके डैड रिफत के पास हॉस्टल रहने के लिए भेज रही है लेकिन जजीरा नहीं जाना चाहती। गेल उससे कहती है कि जिस तरह से तुम अपने बूब्स शो ऑफ करती हो बैरी के लिए मुश्किल है तुम्हें नोटिस ना करना और तुम हमेशा उसके सामने अपने प्यूबिक हेयर को डिस्कस करती रहती हो। जजीरा कहती है वो इसलिए क्योंकि पूल में लड़कियां उसे च्यूबैका कहकर टीज करती हैं। गेल कहती है मुझे उसका मतलब नहीं पता। जजीरा बताती है लेकिन बैरी को पता है और गेल अपना सर पकड़ लेती है। उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए कि मर्दों के सामने तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। जजीरा अपने डैड के पास पहुंच जाती है जो नासा में जॉब करता है और मिजाज से काफी कड़क है। रास्ते में जजीरा को गाड़ी में नेकेड लड़की का पोस्टर दिखता है जिसे वो गौर से देखती है लेकिन जैसे ही उसका डैड उसे घूरता है वो मुंह फेर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसका डैड उसे रसीद के थप्पड़ मारता है और ढंग के कपड़े पहन के आने को कहता है। जजीरा रोते हुए वहां से भाग जाती है और पीछे से उसका डैड भी आता है और कहता है, चलो मैंने तुम्हें माफ किया। उनके घर में उनके नेबर्स ट्रेविस, उसकी वाइफ और उनका बेटा जैक आता है। वो सब मिलकर बातें करते हैं और जैक अपने डैड से जजीरा के साथ बैडमिंटन खेलने की परमिशन मांगता है। फिर वो दोनों बैडमिंटन खेलते हैं और कॉक जजीरा के बूस्ट पर लगती है। इस पर जैक कहता है कि मुझे नहीं पता कि कॉक कहाँ गिरेगी। जजीरा गुस्से से कॉक को बाउंड्री के उस पार फेंक देती है और कॉक लाने को कहती है। जैक बताता है कि उस घर के लोग हनीमून मनाने गए हैं। घर आकर रिफत जजीरा से कहता है कि उसे कल से जैक की बेबी सिटिंग करनी है। नेक्स्ट डे जब जजीरा जैक के घर जाती है तो जैक नहीं चाहता कि जजीरा उसकी बेबी सिटिंग करे और कहता है, तुम बस मुझसे 3 साल बड़ी हो। जजीरा कहती है वो बस उसे कंपनी देने आई है। जैक उसे टॉवल हेड कहकर चिढ़ाता है और अंदर भाग जाता है। जजीरा उसे ढूंढते हुए आती है और देखती है कि जैक एडल्ट मैगजीन्स पढ़ रहा है। वो भी एक मैगजीन उठाकर उनमें छपी नेकेड लड़कियों की फोटोज देखने लगती है और थोड़ी देर बाद उठकर जैक से कहती है कि तुम ये सब नहीं पढ़ सकती। जैक कहता है, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। और वो फिर से उसे और उसके डैड को टॉवल हेड कहकर चिढ़ाता है, जिस पर जजीरा कहती है कि उसके डैड अपने सर पर टॉवल नहीं पहनते, वो क्रिश्चियन है। जजीरा बाथरूम में है और उसे पीरियड्स हो जाते हैं। वो अपने डैड के साथ पैड्स खरीदने जाती है। जजीरा टैम्पॉन्स यूज करना चाहती है लेकिन उसका डैड कहता है कि टैम्पॉन्स शादीशुदा औरतें यूज करती हैं। वहाँ सेल्स गर्ल आती है और उन्हें एक पैड दिखाकर उसे खरीदने को कहती है। इस पर उसका डैड पूछता है कि इसमें क्या खास बात है। सेल्स गर्ल कहती है कि ये कंफर्टेबल है, मेरी बेटी भी यही यूज करती है। लेकिन रिफत कहता है कि वो महंगी है इसलिए तुम उसे सजेस्ट कर रही हो। वो नॉर्मल पैड्स लेकर वहां से चला जाता है। जजीरा स्कूल में है। स्कूल में एक लड़का जजीरा के नाम का मजाक बनाता है और उसके सामान को बिखेर देता है। वो फर्श पर गिरे पैड को उठाकर अपने फोरहेड पर चिपकाकर हंसने लगता है। जजीरा बाथरूम जाकर टिश्यू पेपर यूज करने लगती है क्योंकि उसका पैड लड़कों ने खराब कर दिया था। एक टीचर बाथरूम में आती है और उसे रोता देख टैम्पॉन यूज करने को देती है। वहां जब उसका डैड रिफत टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसे उसके अंदर से टैम्पॉन मिलता है और उसी की वजह से टॉयलेट ब्लॉक हो गई थी। वो जजीरा को घर से निकाल देता है। जजीरा अपने मॉम को फोन करती है और कहती है कि डैड उसे टैम्पॉन यूज नहीं करने देते लेकिन उसकी मॉम भी रिफत की साइड लेती है। वहां जैक के घर पर वो फिर से वही मैगजीन्स पढ़ रही है और उसे फिर से ऑर्गेज्म की प्राप्ति होती है। तभी वहां जैक का डैड ट्रेविस आ जाता है और जजीरा उससे पूछती है कि वो उसके डैड से तो उन मैगजीन्स के बारे में कुछ नहीं कहेगा।
ट्रेविस कहता है नहीं, वहाँ क्लास में जजीरा सेल्फ प्लेजर ले रही है और ट्रेविस के घर आकर उसके बैग से एक सुरक्षा कवर चुरा लेती है। जब वो सो रही होती है तो उसे अपने डैड और एक औरत की सासों की आवाजें आ रही हैं। वो बाहर जाकर देखती है तो उसका डैड अपनी गर्लफ्रेंड थैना के साथ लगा होता है। फिर वो तीनों आपस में बातें करते हैं। थैना एक मॉडल है और थैना जजीरा का मेकअप करती है। उन दोनों के जाने के बाद वो ट्रेविस के पास आती है और उसे वही मैगजीन्स मांगती है और बताती है कि उन मैगजीन्स की वजह से उसे सेल्फ प्लेजर मिलता है। ट्रेविस उसे वहां से भगा देता है। ट्रेविस उसके घर के बाहर मैगजीन्स रखकर चला जाता है। जैक और जजीरा विंडो से देखते हैं कि हनीमून कपल वापस आ गया है। वो उनके घर अपनी कॉक लेने जाते हैं। वो औरत अपना नाम मेलिना बताती है और वो प्रेग्नेंट है। घर आकर जजीरा अपने डैड से उस औरत के बारे में बताती है। उसका डैड कहता है कि उस औरत को अपना पेट कवर करके रखना चाहिए। जजीरा का डैड उसकी ग्रैंड मदर का लेटर उसे पढ़ने को कहता है, लेकिन वो फ्रेंच में होता है। जजीरा कहती है कि उसे फ्रेंच नहीं आती। फिर वो स्कूल जाती है। टीचर उस लेटर को एक स्टूडेंट से सबके सामने पढ़ने को कहती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसमें थॉमस नाम का लड़का भी होता है। लेकिन बाद में वो जजीरा का फ्रेंड बन जाता है और कहता है कि किसी को भी खुद का गलत नाम से बुलाने की परमिशन मत देना। जैक के घर आकर जैक फिर से जजीरा को टॉवल हेड कहकर चिढ़ाता है, तो जजीरा उसे हिट करती है और जैक चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसकी शिकायत अपने डैड से करेगा। ट्रेविस जजीरा के घर उसके डैड से उसकी शिकायत करने आता है और जजीरा बताती है कि उसका डैड अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर गए हैं। ट्रेविस जजीरा से अपनी मैगजीन्स वापस मांगता है, लेकिन फिर वो बेकाबू हो जाता है और जजीरा को देखकर उसके अरमान जाग जाते हैं और वो जजीरा को कली से एक फूल में बदल देता है। और जब वो अपने हाथों में ब्लड देखता है तो वो घबरा के वहां से भाग जाता है। जजीरा उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जजीरा बाथरूम आकर अपने अंडरगारमेंट्स को साफ करती है और डस्टबिन में डाल देती है। वो थॉमस के घर पर डिनर पे आती है और थॉमस के पेरेंट्स उन्हें अकेला छोड़कर सोने चले जाते हैं और थॉमस जजीरा के साथ शुरू हो जाता है। लेकिन तभी जजीरा के डैड का फोन आ जाता है और वो कहते हैं कि वो उसे लेने आ रहे हैं। जजीरा थॉमस से पूछती है कि क्या उसकी मॉम टैम्पॉन और रेजर यूज करती है और उसे कल स्कूल में दोनों चीजें लाने को कहती है और बताती है कि उसके डैड उसे ये सब चीजें यूज नहीं करने देते। जजीरा का डैड उसे लेने आ जाता है और जजीरा को थॉमस से मिलने से मना करता है क्योंकि वो काला है। अगले दिन थॉमस जजीरा को टैम्पॉन और रेजर लाकर देता है और पूछता है तुम कहाँ कहाँ शेव करोगी और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी शेव कर सकता है। और अगले पल हम थॉमस को जजीरा की शेव करते हुए देखते हैं। थॉमस कहता है तुम कमाल की लग रही हो। काम खत्म होने के बाद वो उसे किस करता है और वहां से चला जाता है। जजीरा अपने डैड के साथ गार्डन को साफ कर रही है और वहां ट्रेविस आता है और जजीरा से जैक की दोबारा से बेबी सिटिंग करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। रात में ट्रेविस जजीरा के घर आता है और उसे उसके साथ डिनर करने को कहता है। वो घर से दूर एक रेस्टोरेंट में आते हैं ताकि ट्रेविस को कोई पहचान न सके। वेटर को लगता है कि जजीरा ट्रेविस की बेटी है। वेटर के जाने के बाद वो ट्रेविस से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, क्योंकि जो हरकतें उन दोनों ने की हैं वो तो सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करते हैं। वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे मेरे बूब्स की वजह से पसंद करते हो। फिर वो बताता है कि उसने अपनी वाइफ से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी वाइफ से उसे प्यार नहीं है। वो जजीरा को थॉमस से दूर रहने को कहता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि जजीरा किसी और लड़के के साथ मस्ती करे। इस पर जजीरा कहती है कि थॉमस तुमसे कहीं ज्यादा बेटर है क्योंकि वो उसे तभी छूता है जब वो चाहती है। ट्रेविस जजीरा से सॉरी कहता है कि अगर उसे पता होता कि जजीरा ने कभी किसी के साथ कांड नहीं किया है तो कभी उसके साथ वो सब नहीं करता। वहाँ मेलिना का पति जजीरा को ट्रेविस की कार से निकलते हुए देखता है और नेक्स्ट डे मेलिना जजीरा को ट्रेविस से दूर रहने को कहती है, जिस पर वो चिढ़ जाती है और कहती है कि वो उसकी मॉम नहीं है, जो उसे बताएगी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्रिसमस पर जजीरा की मॉम उनसे मिलने आती है और जजीरा से बताती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। वो बहुत ही बुरा आदमी था और वो बहुत अकेली हो गई है। थॉमस जजीरा से मिलने को कहता है, लेकिन वो बताती है कि उसके डैड उसे पसंद नहीं करते। स्कूल में थॉमस जजीरा को इग्नोर करता है, लेकिन जजीरा उससे बात करने की कोशिश करती है और थॉमस कहता है कि वो उसके साथ कांड करना चाहता है। वो मान जाती है और दोनों शुरू हो जाते हैं, लेकिन जजीरा इंजॉय नहीं करती। थॉमस का काम हो जाता है और वो कहता है कि उसे एक मर्द की तरह फील हो रहा है। घर आकर रिफत बताता है कि उसकी कार के नीचे एक बिल्ली आ गई थी और वो बिल्ली जैक की थी। रिफत उस बिल्ली को फ्रीजर में रख देता है और सुबह किसी डस्टबिन में डालने को कहता है ताकि ट्रेविस को ना लगे कि उसने जानबूझकर उसकी बिल्ली को मारा है। रिफत फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है और जजीरा थॉमस के साथ इंटीमेट होती है। ट्रेविस थॉमस को जजीरा के घर से निकलते हुए देखता है और बिल्ली ढूंढने के बहाने जजीरा के घर आता है और उससे झूठ बोलता है कि कल वो 4 बजे इराक जाने वाला है। जजीरा उसे अंदर बुला लेती है और फिर वो उसे किस करता है और कपड़े उतारने को कहता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह जजीरा को पता चलता है कि ट्रेविस ने उसे झूठ बोला था। वो
इराक नहीं गया है, बस वो उसके साथ मजे करना चाहता था। वहाँ रिफत को वो गंदी मैगजीन्स मिल जाती हैं जो जजीरा का काम तमाम कर देती हैं। रिफत उसे थाइस में बुरी तरह से मारता है। घर पहुंचकर जजीरा मलीना के घर भाग जाती है और वो उसे रूम में छिपा देते हैं और रिफत उसके पीछे पीछे उनके घर आता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब जजीरा का मन होगा वो घर आ जाएगी। मलीना बताती है कि उसका डैड चला गया है। अगले दिन जजीरा को मलीना स्कूल पिक करने आती है और थॉमस के साथ हैंग आउट करने को कहती है। मलीना दोनों को अपने घर ले आती है। थॉमस जजीरा के साथ रूम में है और अपने साथ सुरक्षा कवच लेकर आया है। रात में वो इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन मलीना को जजीरा के चिल्लाने की आवाजें आती है और वो उसके रूम में आती है और उसे शक होता है कि ये दोनों कांड करने की फिराक में थे। थॉमस बाथरूम चला जाता है। रिफत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मलीना के घर पर आता है और थॉमस को देखकर पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो जजीरा का रूम देखने की बात करता है और उसके रूम को खंगालने लगता है और नीचे आकर थॉमस को कनपट्टी से पकड़ता है और उसका सुरक्षा कवच उसकी तरफ फेंक कर कहता है, ये सब क्या है? ये उन्हें उनके बाथरूम से मिला। वो जजीरा को अपने साथ चलने को कहता है। मलीना का पति बीच में आता है। इस पर रिफत कहता है कि बुला लो पुलिस को, मैं बताऊंगा कि तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है। थॉमस कहता है कि सब मेरी गलती है। जजीरा पीछे से कहती है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रिफत को लगता है कि जजीरा कली से फूल मलीना के घर पर बनी है, लेकिन जजीरा उन्हें बता देती है कि वो अपने डैड के घर पर फूल बनी थी और ट्रेविश ने अपनी फिंगर से उसको फूल बनाया था। ट्रेविश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। थॉमस जजीरा से ट्रेविश से उसके मिसबिहेव के बारे में बात करता है और बताता है कि वो अब उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता, लेकिन जजीरा चाहती है कि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करें। अगले दिन ट्रेविश को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। जजीरा ट्रेविश के पास आती है और वो घबराकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे उसकी मरी हुई बिल्ली देती है और कहती है कि ये उसके डैड के कार के नीचे आ गई थी। जब मलीना जजीरा को ट्रेविश से बात करते हुए देखती है तो वो बातचीत को रोकने के लिए बाहर दौड़ती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसका खून बहता है और उसे पेन शुरू हो जाते हैं। हॉस्पिटल में रिफत को जजीरा ने डिलीवरी रूम में मलीना के साथ जाने के लिए कहा, क्योंकि उसका पति समय पर नहीं पहुंच पाएगा। जब रिफत रुकने से इनकार करता है तो वो जजीरा को मलीना के साथ रुकने को कहता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। वो डिलीवरी रूम से चला जाता है और जजीरा मलीना को एक बच्ची को जन्म देते हुए देखती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।